हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन बंसल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। दोस्तों, हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारे दिन भर का सबसे अहम पार्ट होता है। ये पूरे दिन हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। और जब हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात आए तो स्प्राउट से बेहतर और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्प्राउट सैंडविच बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही हेल्दी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी स्प्राउट सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, देर ना करते हुए हम स्प्राउट सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। स्प्राउट सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्प्राउट्स लिए हैं, यानी कि अंकुरित अनाज। इनमें मैंने यहाँ पर मूंग, मोठ और चने के स्प्राउट्स लिए हैं। अब इन स्प्राउट्स को हमें उबालना है, तो उबालने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है। स्प्राउट्स को हमें ज्यादा नहीं उबालना आता, इसलिए आप इन्हें एक खुले बर्तन में भी उबाल सकते हैं। सारे स्प्राउट को हम कुकर में भर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इनको एक बार हम अच्छे से मिला देंगे। अब ढक्कन लगाकर इनको हम एक सीटी लगवाएंगे। हमें इनकी एक ही सीटी लगवानी, इससे ज़्यादा नहीं उबालना, क्योंकि स्प्राउट को हमें ज़्यादा नहीं उबालने। ये हमारी एक सीटी आ चुकी है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और कुकर को हम ठंडा करके इन स्प्राउट्स को निकाल लेंगे। इधर मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम ये स्प्राउट डाल देंगे। स्प्राउट को मैंने कुकर को ठंडा करके एक छलनी में निकाल लिए थे। अब इस स्प्राउट के अंदर हमें कुछ वेजिस डाल रही हूँ, तो जिसमें मैंने लिया है 1 बारीक कटा हुआ खीरा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर प्याज को स्किप कर सकते हैं। 1 बारीक कटी हुई गाजर, 1 थोड़े से इसमें मैं हरे धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। अब मसालों में मैं यहाँ डालूँगी 1 चम्मच के करीब चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ऑरेगानो। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। अब अच्छा टेस्ट और बाइंडिंग लाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मलाई। मलाई हम सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होती है। आप मलाई की जगह यहाँ पर हंकर्ड या मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मलाई इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक तो हमारे सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होती है और इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। मैं जब भी स्प्राउट चाट बनाती हूँ या स्प्राउट सैंडविच बनाती हूँ तो मलाई ही यूज करती हूँ। इन चीज़ों को हम सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये हमारा स्प्राउट चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे एज ए चाट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसकी सैंडविच बना रही हूँ। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वाइट ब्रेड ली है, इसके ऊपर मैं टोमेटो केचप लगा रही हूँ। आप टोमेटो केचप की जगह यहाँ पर बटर या हरी चटनी भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को यहाँ पर टोमेटो केचप पसंद है, तो मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप यूज किया है। अब इसके ऊपर हम स्प्राउट चाट रखेंगे। इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड रखेंगे। और ये हमारी एक सैंडविच तैयार हो चुकी है, इसको हम प्लेट में रखेंगे और दूसरी सैंडविच भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम टोमेटो केचप लगाएंगे और स्प्राउट रखेंगे। स्प्राउट सैंडविच या स्प्राउट चाट खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। इसके खाने से सारा दिन भूख नहीं लगती, जिससे कि वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये हमारी दूसरी सैंडविच भी तैयार हो चुकी है। चलिए, अब चलते हैं इनको हम सेकने के प्रोसेस पे। इधर मैंने गैस पर एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अगर आप घी की जगह यहाँ पर ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अपनी सैंडविच रखेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसको हम पलट देंगे। दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब सैंडविच को हम दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे।
और ये देखिए हमारी सैंडविच तैयार हो चुकी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और बची हुई सारी सैंडविच हम इसी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। स्प्राउट सैंडविच खाने में बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि स्प्राउट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। स्प्राउट से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, चेहरे पर ये रौनक लाता है। और चेहरे चेहरे क्या, अगर हम बालों की बात करें तो बालों में भी काफ़ी ये रौनक लाता है। हर तरह से स्प्राउट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ये सारी सैंडविच हमने तैयार कर ली है और जो हमारा स्प्राउट्स बच गए हैं उसको मैं एज ए चाट यूज करूंगी। इन स्प्राउट को आप ब्रेकफास्ट में कभी भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ही आप स्प्राउट को खाएं, ज़्यादा इनको इवनिंग में स्प्राउट को नहीं खाना चाहिए। स्प्राउट को हमेशा ब्रेकफास्ट में ही लेना चाहिए। और ये देखिए ये हमारी सैंडविच कितनी बढ़िया और कितनी हेल्दी बनी है। इन सैंडविच को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं या आपका जब भी मन करे इन्हें आप बनाकर खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ये ऑप्शन है। तो आप इस तरह से ये स्प्राउट सैंडविच घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को और आप खुद खाएं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्प्राउट सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।